तो यहाँ पे टोटल जो प्राइस होता है वो है इनका। तो यार वो जो मूड्स थी वो मैंने निकाल दिया है। ओ तो वीडियो चालू हो गया। तो व्हाट्स अप पीपल, कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी का दोबारा से स्वागत है हमारे चैनल पे। आई होप सब एकदम मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो ये चैनल पे जो भी नया, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ ही साथ एक लाइक कर दो। यार बहुत मेहनत लगती है कसम से एक वीडियो बनाने में, कि जो मैंने प्रीवियस सारे वीडियोस बनाए हैं वो आप लोग ज़रूर बताइए कि कैसे बन रहे हैं, आपको पसंद आ रहे हैं या नहीं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बता देना। और मैं कोशिश करता हूँ कि वीडियो क्वालिटी अच्छी ही हो, क्योंकि हमारे पास है ना आईफोन है, आईफोन के साथ साथ हमारे पास GoPro Hero 8 भी है। तो आईफोन जब है आपके पास ना, तो व्लॉगिंग के लिए कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है, एकदम फर्स्ट क्लास क्वालिटी आप लोग को देखने को मिलती है। तो रही बात आज के टॉपिक की, तो आज हम लोग कवर करने जा रहे हैं डोमिनर 400 की सर्विसिंग कॉस्ट कितनी रही। हालांकि मैंने जो सर्विसिंग थी वो ऑलमोस्ट विद इन फाइव डेज ऑफ डिलीवरी, मतलब उसके बाद ही करा दी थी, क्योंकि मैं डेली अप एंड डाउन करता हूँ डोमिनर से, ऑफिस आना जाना होता है और संडे टू संडे राइड करता हूँ। तो मैंने 5 दिन में ही अपना 500 to 700 किलोमीटर तो वो मैंने कंप्लीट कर लिया था, और इस वजह से मैंने तुरंत 5 दिन के अंदर अंदर अपनी बाइक की जो सर्विसिंग थी वो मैंने करा ली। अब बात ये आती है टॉपिक की, कि आज हम लोग जो कवर करने वाले हैं आप लोग के साथ, कि कितना कॉस्टिंग गया हमें डोमिनर को सर्विस कराने में। तो मैं सर्विस सेंटर में आपको नहीं बताने वाला हूँ, जैसा कि मैंने आप सभी को बोला कि मैंने ऑलरेडी सर्विसिंग करा लिया है। मैं आज सिर्फ हम कवर करेंगे कि कितना प्राइस, मतलब कितना खर्चा हुआ, क्या क्या उन्होंने चेक किया, क्या नहीं चेक किया। आप लोग को बाइक का भी व्यू देखना होगा, तो बाइक की कंडीशन ऐसी कुछ है। तो हमने ऑलमोस्ट 1700 किलोमीटर क्लॉक कर लिया, तो देख सकते हो आप लोग बाइक काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग लग रही है। तो कमेंट करके ज़रूर बताना आपको ये बाइक कैसी लग रही है। और मैंने इसके लिए दो नाम सोच रखा है, एक ऑप्टिमस प्राइम और एक राम प्यारी, दोनों में से कमेंट करके ज़रूर बताना कि मैं कौन सा रखूँ। और यस, और एक है बिजली, तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि मैं कौन सा नाम रखूँ, या फिर इसके लिए एक सेपरेट टॉपिक अपन करेंगे, क्योंकि हमें चाहिए कंटेंट। हम हैं भाई यूट्यूबर, हमें चाहिए कंटेंट, तो इस नेम के लिए सेपरेट एक वीडियो कोशिश करेंगे रखने की। तो गाइस देखो, GoPro को अभी यहाँ पे माउंट किया है, तो थोड़ा बाइक चलाते हैं यहाँ पे और ये वाला व्यू कैप्चर करने की कोशिश करते हैं कि कैसा व्यू आता है। गाइस आप लोग के लिए मैं अपना GoPro दाव पे लगा रहा हूँ, GoPro Hero 8, अगर ये गिरेगा तो गया काम से, बट ठीक है, कोशिश करके देखते हैं। चलो मैं घर आ चुका हूँ। आई होप कि आपने जो वो व्यू देखा जो मैंने नीचे माउंट कर रखा था GoPro, वो आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। अभी मैं पूरा कवर करूँगा कि कितना प्राइस लगा मुझे फर्स्ट सर्विस कराने में अपनी बाइक की, तो चलो देखते हैं। तो बजाज सूर्योदय, ये वसई में आता है, और यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखते हैं ऑयल फिल्टर। तो ऑयल फिल्टर का वो लोग ने चार्जेस लगाया है 76 रुपीज़, ठीक है। तो बाकी अपना ऑयल
जो ऑयल रहता है 10W50 सिंथेटिक ऑयल है बजाज की तरफ से, उसका उन लोग ने 1140 रुपीस लगाया है। फिर सिंथेटिक 100ml का कुछ उन लोग ने दूसरा लिक्विड डाला हुआ है जिसका उन लोग ने लगाया है 524, तो टोटल यहाँ पे होता है 1740। तो ये जो HX फाइल चेक जो दिया हुआ है उसका कोई चार्जेस नहीं लगाया, वो एक्चुअली सॉफ्टवेयर अपडेट किया हुआ है, और नॉर्मल ये कंज्यूमेबल चार्जेस जो लगाया है वो 60 रुपीस लगाया है। बाकी जो CGST है वो 9%, SGST 9%, तो नेट टोटल जो अमाउंट आया है वो 1801 रुपीस, और जो टोटल अमाउंट हमें पेबल है वो 2071। तो आप लोग सोच रहे रहोगे ये वापस से टी शर्ट कैसे चेंज हो गया, तो ये नेक्स्ट दिन का मतलब शूट कर रहा हूँ, कल मैंने शूट नहीं किया था बिकॉज बहुत ज़्यादा लेट हो गया था, शाम हो गई थी। तो जो टोटल बिल आपको मैंने बताया वो 2071 हुआ है हमारा, तो उसमें इंक्लूडिंग क्या क्या चेक किया था उन लोग ने, ब्रेक्स चेक किया था, फ्रंट ब्रेक, रियर ब्रेक, और बाकी ऑयलिंग व्हीलिंग सब चेक किया था, बट वो लोग ने चैन लूप नहीं किया था। आई डोंट नो चैन लूप होता है या नहीं फर्स्ट सर्विस के दौरान, तो मेरे पास ऑलरेडी चैन लूप का एक बॉटल पड़ा था मोटुल का, तो मैंने खुद से ही चैन लूप कर लिया। इसमें प्रॉब्लम ये होती है कि इसमें डबल स्टैंड नहीं है, तो मुझे नॉर्मली खुद से करना पड़ा आगे पीछे गाड़ी को लेके, क्योंकि अपने पास वो डबल स्टैंड के लिए जो होता है ना वो अपने पास नहीं है, तो नॉर्मली मैंने कर लिया जैसे तैसे करके। बाकी यही सब नॉर्मल सर्विस में, फर्स्ट सर्विस में होता है। फर्स्ट हमने कवर किया था जो इंजन ऑयल होता है वो, कौन सा जो इंजन ऑयल था अपना, सिंथेटिक इंजन ऑयल था जो उन्होंने कंप्लीट किया था। फिर और कौन सा, तो एक ऑयल डालते हैं 100ml का, और कूलेंट टॉप अप किया था, बाकी का नॉर्मल चेकअप जो बॉडी वीडी रहती है, क्लच केबल सब चेक किया था, ब्रेक्स प्रॉपर है या नहीं, तो यही सब चेक किया था। आगे आपको कुछ भी मतलब क्वेरी रहेगी तो प्लीज़ मुझे बताना, तो उसके हिसाब से हम लोग फिर एक नया वीडियो बनाएंगे। तो अगर ये वीडियो ज़रा भी आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, साथ ही साथ चैनल पे जो भी नया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।